यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के मोतीनगर में जल संकट की स्थिति सबसे ज्यादा विकराल हो चुकी है। पालिका के जलापूर्ति विभाग की हठधर्मी की बदौलत यहां आधी रात में पानी के लिए भागदौड़ करना यहां के लोगों का मुकद्दर बन गया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की स्पेशल रिपोर्ट। शहर के मोतीनगर का यह नज़ारा रात 12 बजे का है। हर साल गर्मी के दिनों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान यहां पानी के लिए इसी तरह जागते और भाग दौड़ करते नजर आते हैं। शहर के इस इलाके में मजदूर पेशा लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भीषण गर्मी में दिन भर कड़ी मेहनत मजदूरी के बाद उनकी रात भी बूंद बूंद पानी की तलाश में पानी की ही तरह बह जाती है। कुएं पे बोर लगाए मगर कोई फायदे का नहीं ना उसको पानी में, तो क्या है, दुनिया भर के झगड़े हो रहे हैं यहाँ। दो दो गुण, पांच पांच गुण मिलते बस चल जाते, पानी तो होना ना कुएं में। नल आते 15 दिन के बाद, 12 दिन के बाद। नगर पालिका प्रशासन के जलापूर्ति विभाग की लापरवाही की बदौलत मोती नगर में जलापूर्ति की व्यवस्था पहले ही ध्वस्त हो चुकी है। पालिका ने जल प्रबंध के नाम पर परिसर के 2 कुओं को साफ कर जलापूर्ति की व्यवस्था की तो है, लेकिन 12 से 15 दिन बाद नलों में पानी आने से इस दरमियान कुएं के जल स्तर में भी भारी गिरावट हो चुकी है, जिस वजह से घूम फिर कर जल संकट ज्यों का त्यों बना रहता है। नतीजतन आधी रात तक नलों और कुओं के चक्कर काट कर पानी की तलाश करना यहाँ के लोगों का मानो मुकद्दर बन गया है। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत इतनी है कि 15 दिन में एक बार नल आते हैं और हमारे को खरीद के पानी लेने की हमारी हिम्मत नहीं है, और हमारे यहाँ सब मजदूर लोग हैं, हम इतना पानी खरीद के कहाँ से लेंगे। नगर परिषद की इतनी गुजारिश है कि हमारे समस्या पे ध्यान दें। इसमें कोई शक नहीं कि शहर के पुराने जल स्रोत जैसे नदी, नाले और कुएं सूख गए हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि अरुणावती बांध के जल भंडार का जल स्तर पर्याप्त से अधिक होते हुए भी शहर के पिछड़े इलाकों की जनता जल संकट से जूझ रही है, क्योंकि जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल भी पुराने जल स्रोतों की तरह ही न सिर्फ सूख गए हैं बल्कि उनकी संवेदनाएं भी शायद मर चुकी है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।